guys, welcome back to another video. I hope everyone is doing good. So today's video is going to be in Hindi. तो चलिए शुरू करते हैं. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये न्यू ईयर की फ्रेम जो मैंने 31st के एक दिन पहले बनाई थी. इस फ्रेम को फोटो बूथ फ्रेम भी कहते हैं. तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है. तो बेसिकली जो घर में जो भी कार्डबोर्ड के बॉक्सेस अवेलेबल थे उनके मैंने ऐसे पीसेस कट कर लिए, क्योंकि फोटो बूथ फ्रेम मुझे थोड़ी बड़ी बनानी थी. इसीलिए मैंने अलग अलग कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो थोड़े बड़े थे उन्हें कट किया. तो यहाँ पर मैं अभी सारे पार्ट्स को असेंबल कर रही हूँ. एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने बॉक्स से कट करा था तो उसमें बीच में जॉइंट्स थे, तो इसीलिए उसको स्टिफ बनाने के लिए मैंने दूसरा कार्डबोर्ड बॉक्सेस को ऐसे कट करके उसके स्ट्रिप्स मैंने उस जॉइंट पर लगा दी यूजिंग ग्लू गन. ये एकदम लास्ट का प्लान था हम लोगों का कि हमें एक फ्रेम भी बनाना है सो दैट हम लोग उसमें फ़ोटोज़ क्लिक कर पाएँ. तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने इसको इस फ्रेम को रात के 1:30 बजे स्टार्ट किया था एंड मैं सुबह 5 बजे तक इस फ्रेम को कंप्लीट किया. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने बड़े वाली जो इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर मैंने टेप का यूज़ भी किया है सो दैट जो भी स्ट्रिप मैंने अटैच कर लिए कार्डबोर्ड की वो निकले ना. तो जैसे ये ख़त्म हुआ मैंने जितने भी पार्ट्स थे कार्डबोर्ड के उसको फिनिशिंग देना स्टार्ट कर दिया था यूजिंग द कटर. तो यहाँ पर मैं जितने भी कार्डबोर्ड के पीसेस थे उसमें एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड्स टाइप निकल रहा था तो मैंने उसको कटर के इस्तेमाल से मैंने उसके एजेस को फिनिशिंग दी. और अब मैं यहाँ पर फ्रेम को असेंबल कर रही हूँ एंड जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर रही हूँ. बेसिकली इस फ्रेम को मैं विदाउट मेजरमेंट ही बना रही थी. मुझे इसे पोर्ट्रेट शेप में बनाना था तो सारे मैंने पीसेस वैसे ही कट किए थे. तो अब आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर फ्रेम को जॉइन कर रही हूँ यूजिंग दिस ग्लू गन. लेकिन ये कार्डबोर्ड काफ़ी थिक थे तो ग्लू गन के ग्लू से ये होल्ड नहीं हो पा रही थी फ्रेम. तो इसीलिए जो भी घर में ग्लू अवेलेबल था, लाइक मेरे घर में काफ़ी टाइम पहले फर्नीचर का काम हुआ था तो मेरे यहाँ पर थोड़ा सा सिंथेटिक रबर वाला ग्लू बचा हुआ था तो मैंने उसको यूज़ किया एंड उससे स्टिफनेस भी आ गई एंड काफ़ी अच्छे से ये स्टिक हो गई थी फ्रेम. फिर उसके बाद में फ्रेम को थोड़ा सा और सपोर्ट देने के लिए मैंने दो कार्डबोर्ड का और यूज़ किया एंड उसको जहाँ पर एम्प्टी स्पेस था वहाँ पर उसको स्टिक कर दिया यूजिंग दिस ग्लू. फिर ये स्टिक करने के बाद मैंने थोड़ी देर फ्रेम को ड्राई करने के लिए रख दिया था. फिर जैसे ही फ्रेम ड्राई हो गई उसको मैंने कवर करने के लिए यहाँ पर वाइट कलर के वॉल के जो वॉल पेपर्स होते हैं वो यूज़ किए थे, क्योंकि ये फ्रेम काफ़ी बड़ी थी एंड इतना बड़ा पेपर और कुछ भी वॉल पेपर मेरे पास नहीं थे अवेलेबल. तो जो भी अवेलेबल था मैंने उसको कट किया एंड उसको मैंने स्टिक कर दिया इस फ्रेम पे. बेसिकली यहाँ पर दो तरह के पेपर्स थे मेरे पास, एक तो ग्लॉसी में थे एंड मैट में थे. तो ग्लॉसी वाला मैंने बॉटम लेयर पे लगाया फ्रेम के एंड जो भी मैट फिनिश में वॉल पेपर था वो मैंने ऊपर की साइड लगाया था. तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि पेपर नहीं थे. तो इट वाज़ अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क फॉर मी टू कंप्लीट इट, क्योंकि सुबह की 3 बज चुके थे एंड मैंने जैसे तैसे इसको फिनिश किया. वंस दिस वाज़ डन आई स्टार्टेड टू ड्रॉ द कटआउट्स. और कटआउट्स बनाने के लिए मैंने पहले ब्लैक कलर के पेपर पर 2023 नंबर को ड्रॉ कर लिया एंड फिर उन्हें कट कर लिया. फिर मैंने सेम नंबर्स गोल्ड कलर के ग्लेज पेपर भी ड्रॉ कर लिए, लेकिन उन्हें मैंने थोड़ा छोटा कट किया सो दैट मैं उसको ब्लैक कलर के जो नंबर्स मैंने ड्रॉ करे थे उसके अंदर मैं पेस्ट कर पाऊँ. फिर कट करने के बाद मैंने वो गोल्ड कलर का नंबर मैंने ब्लैक कलर के नंबर पे पेस्ट कर लिया. और ऐसे ही मैंने सारे कटआउट्स को ड्रॉ करके कट कर लिया, लाइक शैम्पेन बॉटल एंड शैम्पेन ग्लासेस. मैंने ये सारे कटआउट्स बनाने के लिए सेम पेपर्स का ही यूज़ किया था. तो जैसे ही सारे कटआउट्स रेडी हो गए मैं उन्हें प्लेस करके देख रही थी. कटआउट्स को स्टिक करने के पहले मैं यहाँ पर टिंसल गार्लैंड का यूज़ कर रही हूँ जिसे मैं इनर बॉर्डर के लिए स्टिक कर रही हूँ.
मैंने यहाँ पर सारे कटआउट्स को स्टिक कर दिया यूजिंग दिस ग्लू गन। मैं यहाँ पर जो बीच में जो एम्प्टी स्पेस था वहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर लिख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फॉन्ट को डिफरेंट करना था तो मैंने पिंटरेस्ट पे एक अच्छा सा फॉन्ट देखा एंड सेम एज इट इज़ उसको लिखा एंड थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन देने के लिए यहाँ पर मैं बोल्ड लेटर्स कर रही हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर मार्कर का यूज़ किया है, ब्लैक कलर का मार्कर एंड उसके बाद में मैंने थोड़े से स्टार्स भी ड्रॉ कर लिए एंड लास्ट में मैंने यहाँ पर जो भी फोम शीट मेरे पास बचा हुआ था, ग्लिटर फोम शीट मेरे पास बचा हुआ था, उसके मैंने स्टार्स ऐसे कट कर लिए एंड मैंने उनको स्टिक कर दिया एंड दिस इज़ हाउ द फ्रेम इज़ रेडी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।